Hi everyone, good evening. Welcome back to this daily current affairs analysis. This is for today, that is 31st of October. So we'll be starting in just a minute. So a lot of interesting news today, and do not miss out on something interesting that we're going to do today. Aaj maine aap log ki class ke pehle ek interesting project banaya hai, so don't miss out on that. सो फटाफट ज्वाइन करें सब लोग. Okay. चलिए, सो काफ़ी सारी न्यूज़ कवर करनी है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं. सो विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दोस टुडे इन दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस. एंड इन फैक्ट आई डिड अ स्मॉल प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाट आई वांट टू यू नो शेयर विद ऑल ऑफ यू. एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट किया वीडियो का मैंने आप लोग की क्लास के स्टार्ट होने से पहले. एंड आई थॉट कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट इन टुडेज क्लास. सो दैट इज यू नो व्हाई आई वाज वर्किंग ऑन दिस. सो जैसे ही मेरी क्लास खत्म हुई, स्पेशल क्लास, आई थॉट कि लेट मी यू नो स्टार्ट विद दिस. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. प्रीटी इंटरेस्टिंग फॉर प्रोजेक्ट एंड आई एम श्योर यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी टू सी इट. But first of all, today, that is the National Unity Day, 31st of October, Sardar Patel ji ka anniversary, aur news mein hai kaafi sare interesting projects jo hain Prime Minister Modi ne launch kiye hain, jisme se ek dynamic lighting kiya gaya hai, inaugurate kiya hai unhone on the Sardar Sarovar project. To usko bhi dekhte hain bas fatafat. So what you have, people are online right now. So as usual. Hi, good evening guys. Hello, hello, hello. Kaise hain aap log? So I hope सबको visible है. हाँ, तो चलिए. सो नेशनल यूनिटी डे, सरदार पटेल. आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसमें कुछ जो एक तो आपका एक सी प्लेन सर्विस है फ्रॉम केवड़िया, उसके अलावा नेशनल यूनिटी डे है. आज से फाउंडेशन कोर्स भी जो है आपका ऑफिशियली स्टार्ट होता है लबासना में, जिसको हम लोग इंटायर सिविल सर्विस के लिए उसका नाम आरंभ रखा जाता है. आरंभ मीन्स द बिगिनिंग. सो फाउंडेशन कोर्स चालू हो गया तो उसको हम लोग आरंभ बोलते हैं. सो नेक्स्ट ईयर व्हेन यू पीपल विल बी क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, सो यू पीपल ऑल्सो will be a part of the next year's RM. So do watch out for this. So baki jo log naye hain, they can follow me on my profile on academy. Niche description box mein diya hua hai. You can also follow my some of my special classes which are absolutely free, and you can get all the benefits of plus subscription when you take a subscription. Chaliye, to aaj Sardar Patel ji ka anniversary hai, and also the अगर आप देखेंगे, सो ही इज कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. देन स्टैचू ऑफ यूनिटी में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए आज. एंड सो उनका एक बहुत फेमस कोट है दैट मैन पावर विदाउट यूनिटी इज नॉट अ स्ट्रेंथ अनलेस इट इज हार्मोनाइज एंड यूनाइटेड प्रॉपरली, देन बिकम्स अ स्पिरिचुअल पावर. नमस्ते नमस्ते, सब लोग कैसे हैं? सो एवरी ईयर द नेशनल यूनिटी डे, जिसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस बोलते हैं, सेलिब्रेटेड ऑन 31st of October टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज एक सी प्लेन सर्विस लॉन्च की है फ्रॉम द स्टैचू ऑफ यूनिटी एट केवड़िया, नर्मदा रिवर पे जो है सिचुएटेड है. एंड दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम 2014 में, इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था. सो
So on this day, events like Run for Unity, Nationwide Marathon to increase awareness about Patel's contribution to National Unity Pledge, Ekta Parade, etc. organized. 2018 में government ने unveil किया था Statue of Unity in Sardar Patel's honor. और ये tallest statue है world में, 182 meter height है इसकी. And at the same time, अगर आप देखोगे जो जनवरी 2020 में इसको 8th Wonders of the Shanghai Cooperation Organization के द्वारा इसको एक उपाधि दी गई. सो एक अगर आप देखा जाए तो SCO जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको 8th वंडर बोला आपके वर्ल्ड के. सो अभी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, 8th वंडर इज योर सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, अ ग्रेट अचीवमेंट. सो इससे रिलेटेड आज की दो न्यूज़ और हैं. सो सी प्लेन प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी से, अगर आप देखोगे केवड़िया से यहाँ पे सी प्लेन स्टार्ट होगा. स्पाइस जेट अभी ऑपरेट कर रहा है. ये प्लेन जो है इसकी सीटिंग कैपेसिटी 19% की है जनरली आप देखोगे, लेकिन 10 से 15 ही ले जाएंगे एक बार में क्योंकि बाकी तो आपका स्टाफ रहेगा एंड क्रू रहेगा. और ये प्लेन जो है इसको मैन्युफैक्चर किया गया कनाडा में. तो ये जो है जर्नी है अगर आप देखोगे जनरली इट्स 195 किलोमीटर्स की है. तो एक घंटे के में कवर किया जाएगा इसको लगभग जो जर्नी है. और चार अभी बार चार टू एंड फ्रो एक बार कोशिश की जाएगी इसको करा जाए. एंड अगर हम सी प्लेन्स की बात करें तो 28 मार्च 1910 को फ्रेंचमैन हेनरी फाबर ने इसको वर्ल्ड सक्सेसफुल सी प्लेन स्टार्ट किया था. तो द क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन हेनरी, फ्रेंचमैन हेनरी फाबर. तो ये नाम याद रखिएगा हेनरी फाबर, फाबरे और फाबर, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था. एंड उसके अलावा फिर बाद में सी प्लेन जो है फिर से और स्टार्ट हो गए. 1930s में एक नया वर्जन लाया गया इसका. एंड ड्यू टू सी प्लेन द पोस्टल सर्विस बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम वेरी फास्ट, टेकिंग जस्ट ओनली 16 डेज. सी प्लेन के साथ एडवांटेज क्या है, ये पानी में भी उतर सकता है और लैंड पर भी उतर सकता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी में उतरेगा बिकॉज ये सी प्लेन है, इट कैन लैंड इन बोथ सी एंड यू नो वाटर बॉडी एंड ऑल्सो ऑन योर लैंड सर्फिस. और वर्ल्ड वॉर टू में भी अगर आप देखोगे तो मिलिट्री वैल्यू ऑफ फ्लाइंग बोट्स वॉज वेल रिकग्नाइज. तो ये वर्ल्ड वॉर टू में भी ये प्लेन्स बहुत यूज़ किए गए. जहाँ तक रही सरदार सरोवर डैम की, तो ये जो सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपकी लाइटिंग, डायनेमिक लाइटिंग प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया गया. वहीं पे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उस पर डायनेमिक लाइट्स, कलर चेंजेस, मल्टीपल लाइट्स के चालू किए जाएंगे. तो वो भी इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने. तो यहाँ पे आप देखोगे ये नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है और ये सरदार सरोवर डैम है वहीं पे इसको लगाया गया है. अब जैसा मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल प्रोजेक्ट किया है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो मैं आज गूगल अर्थ पे गया. मैंने कहा आप लोग के लिए आज मैं गूगल अर्थ, बहुत दिन हो गए थे दिखाए हुए आप लोग को, तो मैंने कहा आज मैं गूगल अर्थ का आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा. तो सब लोग अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लें, अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट. तो मैंने आज ये प्रोजेक्ट जो बनाया है आप लोगों के लिए, गुजरात सी प्लेन प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए. तो ये प्रोजेक्ट जो है अगर आप देखोगे, हम जरा प्रॉपर सी प्लेन का प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे यहाँ पे. और इसको मैंने फिर इसको पूरा ट्रेस किया और कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा, तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रोजेक्ट. तो अब ये देखिए हम लोग जूम इन कर रहे हैं. सबसे पहले जाएंगे हमारे फर्स्ट लोकेशन पे, दैट इज़ केवड़िया, जहाँ पे सरदार पटेल की स्टैचू है. तो स्टैचू ऑफ यूनिटी यहीं से एग्जैक्टली जो है प्लेन स्टार्ट होगा. तो मैंने पूरा इसको बैठ के प्रोजेक्ट बनाया कि कहाँ से रूट होगा, कैसे जाएगा. अभी तक ये कहीं पे भी नहीं है. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ये वीडियो प्रेजेंट हो रहा है. मैंने यूट्यूब पे भी सब जगह चेक किया, ऑनलाइन ये कहीं पे भी नहीं है. अभी तक किसी ने प्रोजेक्ट को नहीं किया है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम. सो आई कैन प्रॉब्ली क्लेम अ कॉपीराइट ऑन दिस. सो जस्ट आफ्टर द क्लास, मेरी जब स्पेशल क्लास खत्म हुई उसके बाद आई जस्ट वर्कड ऑन इट. मैं गया गूगल पे, मैंने प्रोजेक्ट बनाया पूरा, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं. फिर नाउ जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ से टेक ऑफ करा, सो द प्लेन विल टेक ऑफ फ्रॉम हियर एग्जैक्ट दिस लोकेशन से. ये केवड़िया जो है आप देखोगे, दिस स्टैचू ऑफ यूनिटी. आप लोग वर्चुअली ट्रैवल कर सकते हो, आपको केवड़िया जाने की जरूरत नहीं है. तो नर्मदा रिवर है, यहाँ से आप जाओगे, ठीक है. एंड फिर जब आप यहाँ से जाओगे तो ये जो जर्नी है यहाँ से आपको जाना पड़ेगा टिल साबरमती रिवर फ्रंट तक. तो ये जो रूट है साबरमती रिवर फ्रंट वाला, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस लगभग जो है सी प्लेन का 195 किलोमीटर्स. अगर आप डायरेक्टली फ्लाई करोगे देन द वाटर फ्रंट जो यहाँ पे वो लैंड करेगा आपका. एंड देन दिस इज एग्जैक्टली वेयर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्लेन उन्होंने लैंड किया. सो दिस इज योर साबरमती रिवर फ्रंट, जहाँ पे फिर ये प्रोजेक्ट आपका द डेस्टिनेशन एंड होती है. तो यहाँ से यू रीच अहमदाबाद. सो दिस इज़ इन ऑल, अगर आप देखोगे दिस इज़ द कम्प्लीट प्रोजेक्ट. सो आई वॉज वर्किंग ऑन इट कि पूरा मैं रूट ट्रेस करूँ. एंड दिस इज़ द इंटायर डिस्टेंस जो आपको नर्मदा रिवर से केवड़िया से यू कैन यू नो ट्रैवल फ्रॉम योर स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड गो टू. अगर मैं इसको जूम आउट करूँ मैं आपको, सो ये जो है पूरा प्रोजेक्ट गूगल अर्थ का मैंने बैठ के बनाया आप लोगों के लिए. सो दिस वॉज समथिंग, मतलब हार्डली टुक मी लाइक 15-20 मिनट्स.
देन इट वॉज वर्थ इट. सो कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ यू लाइक दीज वीडियोज. अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे भी प्रोजेक्ट करूँ, सो आई बी वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ दीज सिमिलर प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से ये दो डिस्टेंस है, भले ही कम लग रहा है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 195 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये. तो ये आज के प्रोजेक्ट के बारे में, और ये है आपका फ्रॉम यू नो नर्मदा रिवर से साबरमती रिवर फ्रंट तक केवड़िया का सी प्लेन प्रोजेक्ट. सो लेट मी नो एंड डू शेयर एंड लाइक दिस, प्रोबेबली आई विल ट्वीट अबाउट इट वीडियो जो है. सो दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. सो या दैट वाज इट. चलिए सो नेक्स्ट इज योर GS2 में रिलेटेड है, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में टॉपिक आया है रिलेटेड टू प्रोविजंस इन द कोड ऑन वेजेस बिल 2019 एंड कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट. उसमें वो लगे कि अगर आपका सेक्सुअल हरासमेंट के केस में कन्विक्शन हुआ है तो ये ग्राउंड है फॉर डिनाइंग बोनस पे आउट टू एम्प्लॉयज. सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस 2020 रूल्स इन जुलाई 2020 एंड हैड प्लेस्ड द इट इन द पब्लिक डोमेन इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन एंड सजेशन. तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 से वो गवर्न होता है. तो मिनिमम बोनस पेबल इज अराउंड 8.33% ऑफ द सैलरी और वेज अर्न बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सच सैलरी और वेज एंड इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज अर्निंग अ सैलरी ऑफ अप टू ₹21,000 अ मंथ. 21,000 तक की अगर आपकी सैलरी है तो सेक्शन 29 ऑफ द कोड जो है वो बताता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड एन एम्प्लॉय शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस विद दिस कोड इफ ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉर फ्रॉड और राइटियस और वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रमाइसेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थेफ्ट misappropriation or sabotage of any property or establishment or conviction for sexual harassment. तो क्योंकि यहाँ पर provision already है section 29 of the code में sexual harassment को लेकर, तो अगर आप इसके अंदर conviction होता है तो आपको bonus payment जो है वो आपका रोका जा सकता है. Now this is a very important step because it will keep people to their best behavior in the workplaces. और जो आपका sexual harassment है और POSCO जो act है उसके in line में है, तो this is a very great step in this direction. So Code on Wages Act 2019 जो है ये new wage code था, remove करता है multiplicity of wage definition which can significantly reduce litigation as well as compliance cost for employers and ये link करता है आपके minimum wage across the country to the skills of the employee and the places of employment. Right, so next again is a news from GS paper 2 education related issue related to children. So Odisha government ने identify किए हैं लगभग 8,000 school इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने अपने राज्य में इन द स्टेट विच विल बी मर्ज विद अदर स्कूल ड्यू टू लो एनरोलमेंट. तो वहाँ पे 20 से भी कम बच्चे हैं स्कूल में, तो इनको मर्ज कर दिया गया. नाउ दिस इज अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन. तो एक्टिविस्ट लोग ने बोला है कि बहुत क्लियर कट वायलेशन है बिकॉज इसमें क्या होता है कि भले ही बच्चे कम हो लेकिन अगर स्कूल आप मर्ज कर दोगे तो डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है और डिस्टेंस बढ़ जाएगा स्पेशली ट्राइबल और गरीब जो घर के बच्चे हैं वो इतनी दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते. तो जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो नीचे जाएगा, ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ेगा. सो मर्जर इज बीइंग कैरिड आउट, जो ये मर्जर कर रहे हैं वो अंडर द नीति आयोग सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल है साथ ही प्रोजेक्ट एंड हैज बीन टर्म्ड कंसोलिडेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल. सो जो साथ ही जो प्रोग्राम है फोकस करता है ऑन टू मेन सेक्टर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एंड टू बिल्ड 3 रोल मॉडल स्टेट्स. सो इट एस्पायर्स टू बी अ साथी टू एजुकेशनल सिस्टम विद द स्टूडेंट एंड द टीचर एट सेंटर. In 2017, Odisha was among 3 states along with Jharkhand, Madhya Pradesh to be selected by Niti Aayog for this report. अब obviously बात है जो activist है वो सही बोल रहे हैं कि अगर आप closure और merger करोगे, it is a violation of Section 3 and 8 of the Right to Education Act of 2009. Because Section 3 provide करता है to every child of the age to 6 to 14 years the right to free and compulsory education in a neighborhood school. जो बहुत बार लोग नहीं ध्यान देते कि ये neighborhood school जो है ये specifically mention किया गया कुछ purpose के लिए. जब तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती. एंड सेक्शन 8 बोलता है इट असाइंस अ ड्यूटीज टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन अ नेबरहुड स्कूल. तो ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गवर्नमेंट के लिए, और ये क्या है कि आपको 6 to 14 जो है आपको देना पड़ेगा. और ये राजस्थान में भी बीच में हुआ है कंसोलिडेशन. तो मेजोरिटी ऑफ दी स्कूल जो है वो हिली एंड ट्राइबल एरियाज में, अगर वहाँ बच्चे कम भी हैं बट एक भी बच्चा अगर आ रहा है, दो भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो उसको पढ़ाना जिम्मेदारी है वहाँ की. अगर क्लोजर होगा स्कूल का विलेज में, इट ओनली इंक्रीज द ड्रॉप आउट रेशियो एज इट वोंट बी फीजिबल फॉर द स्टूडेंट्स टू ट्रैवल फार टू अटेंड स्कूल. अब पेरेंट्स आर ऑल्सो कंसर्न दैट इफ द चिल्ड्रन फेल टू अटेंड स्कूल. तो मिड डे मील स्कीम जो है, जो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता था अपने बच्चों को भेजने के लिए, तो वो मिड डे मील स्कीम भी जो है अगर आप देखोगे वो बंद हो जाएगी. तो एक इंसेंटिव जो मिल रहा है वो भी बच्चों को नहीं मिलेगा स्कूल जाने के लिए. तो वो पेरेंट्स के लिए एक भी बहुत बड़ा कंसर्न है. ठीक है,
नेक्स्ट जो एक न्यूज आई है वो है उत्तराखंड से, वहाँ पे एक कंजर्वेशन रिलेटेड न्यूज है कि एक प्रोजेक्ट एलिफेंट को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, ये आप देख रहे हो, ये मैप है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, और ये मेजर एलिफेंट रिजर्व हैं अगर आप देखोगे इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो न्यूज़ में रिगार्डिंग दी वाइडनिंग एंड दी प्रोजेक्ट ऑफ अगर आप देखोगे एक्सपेंशन ऑफ योर एयरपोर्ट, तो उस वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है, और गवर्नमेंट को बेसिकली वहाँ की बॉडीज़ ने बोला है, एनवायरमेंटल बॉडीज़ ने, कि थोड़ा ऑल्टरनेटिव लैंड देखें, बिकॉज ये जो है जो वहाँ पे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है बेसिकली अफेक्ट्स दी शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इन उत्तराखंड स्टेट। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1992, विच इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स एंड टू एड्रेस द इशू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो शिवालिक कहाँ पे, इसको याद रखिएगा, इट इज इन उत्तराखंड, ठीक है। सो द कंकोरा बक रोड एलिफेंट कॉरिडोर इज लोकेटेड नियर इट, नियर दिस शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। इट इज कंसिडर्ड टू हैव वन ऑफ द हाइएस्ट डेंसिटीज ऑफ एलिफेंट फाउंड इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आया है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन न्यूज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ योर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। बाकी ओनली फ्यू आवर्स रिमेनिंग फॉर एंडिंग ऑफ दिस ऑफर, 12 बजे 11:59 पे इनफैक्ट ये ऑफर खत्म हो जाएगा सेपरेट सब्सक्रिप्शन का। तो ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज के लिए, सो ऑप्शनल जो है वो आपका अलग हो जाएगा। अभी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, एट द सेम टाइम आपका जो सेपरेट जो सेक्शन है आपको ऑप्शनल के लिए पे करना पड़ेगा, वो नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप GS के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो अभी के अभी, तो आपको ये पूरा का पूरा फ्री मिलेगा इस पूरे प्राइस में, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद ये नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। बाकी 2 नवंबर से मेरा पॉलिटी कोर्स स्टार्ट हो रहा है एंड सोसाइटी कोर्स, तो इसके लिए भी डू वॉच आउट फॉर दिस, दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गवर्नेंस का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट हैज हाईलाइटेड दैट द इम्प्यूनिटी विद विच क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट आर कमिटेड कंटिन्यू टू राइज एज द गवर्नमेंट हैड फेल्ड टू प्रोब द केसेस। तो IPI ने बोला है कि दुनिया भर में, विश्व में जो जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस हो रहे हैं, क्राइम क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, जिसके खिलाफ गवर्नमेंट्स लोग जो हैं काम नहीं कर पा रहे। सो दिस मूव कम्स अहेड ऑफ द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 नवंबर एवरी ईयर। तो UNGA ने प्रोक्लेम किया था डे इन द जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑफ दिसंबर 2013, इट अर्ज द मेंबर स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट डेफिनेट मेजर्स काउंटरिंग द कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। सो द डेट वॉज चोजन इन कमेमोरेशन ऑफ द असैसिनेशन ऑफ 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट। अगर आप देखोगे इन माली में इनको असैसिनेट कर दिया था, 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट को ऑन 2 नवंबर 2013, उसी के उपलक्ष्य में एज अ रिमेंबरेंस, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिमेंबरेंस, उसको हम लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, UN जनरल असेंबली है, वो इसको मनाते हैं एज द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। चलिए नेक्स्ट, एक इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल है रिलेटेड टू हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो जनरली डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल, सो अब पहले होता था, अब न्यू नॉर्मल जो है थोड़ा कम हो रहा है। सो स्टडीज इन द US एंड यूरोप हैव फाउंड एवरेज बॉडी टेम्परेचर्स डिक्लाइनिंग ओवर टाइम। इंडीड बॉडी टेम्परेचर्स हैव डिक्लाइंड इन एन इंडिजिनस रूरल पॉपुलेशन इन बोलिविया। 16 ईयर की स्टडी की गई थी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वहाँ पे। So, published in the Science Advances, the study also looks at possible reasons that may have caused this decline. Recent years mein dekhoge, however, different studies have found that the human body temperature averaging out to 97.7, 97.9, 98.2. Generally, hamara 98.6 Fahrenheit jo hai, general ek hamara body temperature hua karta tha, jo abhi kuch saalon se aap dekhoge, 10-15 saalon se, wo kam ho raha hai. So one of the largest studies published last year found that body temperature among Americans have been declining over the last 2 centuries. So previous studies mein, the reasons for declining body temperature were not clear, nor was it known whether a temperature below 98.6 is called as a normal outside of high income countries. So greater exposure to infection can lead to higher inflammation, which in turn can lead to a higher body temperature. But yahan ulta ho raha hai. To aisa kya possible reasons hai? So possible reasons ye hai, ek to humara better health care ho gaya. एक हाइपोथेसिस ये है, क्योंकि हमारी इंप्रूव्ड हाइजीन है, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर है, हाई इनकम पॉपुलेशन ग्रुप है, तो हमारे कम इन्फेक्शन होते हैं, तो कम इन्फेक्शन होगा तो कम इन्फ्लेमेशन होगा, कम इन्फ्लेमेशन होगा तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, तो लोअर इन्फ्लेमेशन इज रिलेटेड टू लोअर इन्फेक्शन एंड ब्रीफर इलनेस। आजकल क्या होता है कि हम लोग के पास इतनी एडवांस मेडिसिन आ गई हैं कि जो हम बीमार रहते थे मान लो 15 दिन के लिए, उससे हम 2-3 दिन में ही रिकवर कर जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई ऐसा लिक्विड लगा दिया जाए कि कोरोना का इलाज उनका 2 दिन के अंदर हो जाए, तो वो तो और भी बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मेरे को एक स्पेशल लिक्विड लगाया गया, तो अगर वैसा लगा दिया जाएगा तो पता चला कि आप तो 2 दिन में ही सही हो जाओगे,
एंड सिमिलरली अनदर हाइपोथेसिस इज कि हम लोग एक तो ये भी मानना पड़ेगा वी पीपल वर्कआउट अ लिटिल लेस. अब जैसे ये तो कोविड में सबसे ज़्यादा हुआ है, सो हम लोग क्या हो गए, काउच पोटैटो टाइप्स हो गए वर्क फ्रॉम होम में. ठीक है, वी आर सिटिंग एंड वर्किंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ. ठीक है, आई विल नॉट डिनाई दिस. सो अनदर हाइपोथेसिस दैट द पीपल आर हेल्थियर सो द बॉडीज माइट बी वर्किंग लेस टू फाइट इन्फेक्शन. ऑल्सो आर बॉडीज मे नॉट हैव टू वर्क एज हार्ड एज बिफोर इन ऑर्डर टू रेगुलेट इंटरनल टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड विंटर हीटिंग. सो बढ़िया मस्त इन्वायरमेंट है, बाहर नहीं जा रहे हैं, बॉडी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सो टेम्परेचर भी जो है नहीं बढ़ रहा ज़्यादा, मस्ट चिल लाइफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अंदर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, बाहर मत निकलो. सिंपल लॉजिक, ना बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, ना कोविड होगा, ना इन्फ्लेमेशन होगा, मस्त अंदर रहो, काम करो. बट चल नहीं सकता ना, ह्यूमंस आर सोशल बीइंग, कब तक अंदर रहोगे? जब इमरजेंसी में बोला जा रहा है कि बाहर निकलो, बट अब तो खैर वी आर फॉलोइंग अनलॉक, सो बाहर निकलिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बट टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, दैट्स द ओनली आइडिया, कि प्रॉपर प्रिकॉशन, स्पेशली मास्क. तो बिना मास्क लगाने वाले लोगों का मुझे समझ भी नहीं आता कि वो लोग क्या चाहते हैं दुनिया से और खुद से क्या चाहते हैं, और मास्क पता नहीं क्यों नहीं लगाते हैं. चलो आपने बाकी कुछ नहीं सैनिटाइज किया, चलो एटलीस्ट मास्क तो लगा लो. चलिए, उसके अलावा हु इज़ अ स्ट्रीट वेंडर इन इंडिया, तो ये भी आज एक जो आपका है पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड है. तो स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, ये एक्ट में डिफाइन किया गया. द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 वॉज इनएक्टेड टू रेगुलेट स्ट्रीट वेंडर्स इन पब्लिक एरियाज एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स. The Act defines a street vendor or as a person engaged in vending of articles of everyday use or offering services to the general public in any public place or a private area for a temporary built-up structure bar by moving from place to place. So basically street vendor क्या होगा, उसका temporary structure है, place to place move करना पड़ता है. वो क्या engaged है in everyday use of offering a service to the general public, चाहे वो public area हो चाहे वो private area हो, और temporary is the main word. उसका जो ठिकाना है वो temporary है, तो अपना रेडी पटरी उठा के, जो हम बोलते हैं ना हिंदी में रेडी पटरी वाले, सो दे हॉकर्स एंड वेंडर्स दे कैन यू नो दे हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कभी कोई अथॉरिटी वाला आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, उनको बेचारों को भागना पड़ता है. सो एक्ट इनसार्ज करता है फॉर्मेशन ऑफ अ टाउन वेंडिंग कमेटी इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स टू एंश्योर दैट ऑल स्ट्रीट वेंडर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट आर अकोमोडेटेड इन द वेंडिंग जोन्स. एक स्पेसिफिक जोन, जैसे ये मैंने नोएडा में देखा हुआ है जो कि अच्छा है. पहले क्या होता था, कहीं पर भी ठेले लगे रहते थे, अब जैसे स्पेसिफिक मार्केट्स में ना एक वेंडिंग जोन बना दिया कि आप लगाओ यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, आप प्रॉपरली इस जगह लगाओ, तो लाइन से लगे हैं वहाँ पे. वो बेटर भी है, ऑर्गेनाइज भी है, और उससे क्या होता है कि इवन पीपल एज अ जनरल पब्लिक कंज्यूमर के पास भी ऑप्शन है कि अच्छा ये लाइन से लगे हुए हैं. पहले कहता था कोई बीच सड़क पे लगा दिया, कोई उसके आगे लगा दिया, कोई बोलता है अरे मेरा एरिया यहाँ मत आना, तो इस एरिया में मत आना, तो वो रिड्यूस यू नो व्हाट इज अ लिटिल इनकन्वीनियंट एंड यू नो लेट टू फाइट्स एंड ऑल. अभी थोड़ा बेटर हो गया. So the implementation of the act has been patchy according to NASFI, barring in a few districts in Punjab, Madhya Pradesh and Maharashtra. Town vending committees haven't been formed and street vendors continue to have to fend off to themselves. Baki economy mein ek choti si news aayi jo important hai. Reliance Industries ka jo September quarter profit hai wo 15% gir gaya hai, and this is because of the oil economy. So refining revenue and petrochemical revenue jo hai wo gir gaya niche, and the profit earned on each barrel slump to 5.7 degree per barrel, lower than the 6.3. तो तीन मंथ में काफ़ी गिरा है बिकॉज ऑफ द ऑयल, स्लम्पिंग द ऑयल. बाकी न्यूजीलैंडर्स हैव वोटेड टू लीगलाइज यूथनेशिया, ठीक है, इन अ बाइंडिंग रेफरेंडम दे लाइकली वुड नॉट लीगलाइज रिक्रिएशन मैरिजुआना यूज. उन्होंने बोला देखो मैरिजुआना नहीं पीने देंगे, लेकिन यूथनेशिया इलू कर आप जो है इच्छा मृत्यु जो है वो अलाउ कर देंगे. तो रेफरेंडम हुआ विच इज लाइक अ टाइप ऑफ डायरेक्ट वोटिंग. सो न्यूजीलैंडर्स ने बोला नो मैरिजुआना, no marijuana but yes to euthanasia. So while 83% of votes counted, New Zealanders emphatically endorsed euthanasia measure with 65% voting in favor of and 34 against. The two referendums represented significant potential changes to New Zealand's social fabric. India mein one of the most famous cases hai, uska naam hai Aruna Schonberg case, jisme pehli bar India mein euthanasia ko allow kiya gaya tha, and that too was passive euthanasia. पैसिव यूथनेशिया मतलब क्या होता है कि आप जो मान लो यूथनेशिया क्या मतलब, जैसे कोई बॉडी वेजिटेटिव स्टेट में है कि कोई कोमा की स्टेट में उठ ही नहीं पा रहा है और लग रहा है कि भाई अब नहीं रिकवर कर पाएगा, तो आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देते हो, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव मेजर. एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड नहीं है. इवन पैसिव भी जो है वो प्रॉपर मेडिकल बोर्ड और कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है पैसिव के लिए, ऐसे अलाउड नहीं है क्योंकि इंडिया में मिसयूज़ हो सकता है. एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि आपको इंजेक्ट किया जाता है, मतलब एक्टिवली मारा जाता है, इंजेक्शन हो गया, पॉइजन हो गया, कैसे भी करके. तो एक्टिव यूथनेशिया इज टोटली बैंड इन इंडिया, इट इज अ क्राइम. पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड ऑन अ केस टू केस बेसिस, फॉर दैट कोर्ट अलाउ कर सकता है, क्योंकि अरुणा शॉनबॉग केस में किया गया था. तो इंडिया में ये तो अभी ऐसा है, न्यूजीलैंडर्स ने बोला है कि हम यूथनेशिया अलाउ कर रहे हैं, तो उन्होंने रेफरेंडम में ये वोट किया उसके फेवर में.
बट नो अगेंस्ट मैरिजुआना, मे बी दे आर इंस्पायर्ड बाय सुशांत सिंह राजपूत केस। बाकी इलेक्शन कमीशन ने रिवोक कर दिया कमलनाथ जी का स्टेटस एज अ स्टार कैंपेनर। अभी स्टार कैंपेनर क्या होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को जब जब इलेक्शन कैंपेनिंग होती है तो दो टाइप की पार्टीज होती है, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। तो उसमें अनरजिस्टर्ड पार्टी का नाम को तो कोई लॉजिक होता नहीं है, रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड एंड अनरिकग्नाइज्ड। तो रिकग्नाइज मतलब या तो वो स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी है। तो इनको क्या होते हैं, 40 से ज़्यादा आपको स्टार कैंपेनर नॉमिनेट करने होते हैं, जो कि अगर किसी की रैली में जाते हैं तो उनका एक्सपेंडिचर जो है उस कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं होता। अब क्योंकि ये जा रहे हैं अगर रैली में प्रमोट करने, तो ये क्योंकि भाई नॉन फेस हैं और चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, तो अगर इनके रिलेटेड जो खर्चा होगा वो उस कैंडिडेट की रैली में अगर जाएंगे तो उसका खर्चा ऐड नहीं होगा। बट अब क्योंकि इनको हटा दिया गया स्टेटस से इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वाई इलेक्शन कमीशन ने कि दहेज वायलेटेड द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, तो अब ये कहीं पे भी रैली करने जाएंगे तो इनका खर्चा अलग से ऐड करना पड़ेगा, जो अगर किसी कैंडिडेट का बजट एक फिक्स्ड है असेंबली पोल के लिए तो उसमें फिर वो ओवर एक्सपेंडिचर ना हो जाए। तो अब ये जाके स्टार कैंपेनर की तरह प्रचार नहीं कर पाएंगे, जिसको लेकर उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर दिया अगेंस्ट दिस ऑर्डर। तो अगर आप देखोगे स्टार कैंपेनर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पर्सन हु आर नॉमिनेटेड बाय पार्टीज टू कैंपेन इन अ गिवन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द पर्सन इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर आर फेसेस इन द पार्टी। जैसे अनुराग ठाकुर जी का केस हुआ था दिल्ली में, एंड देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लॉ और द इलेक्शन कमीशन, दे जनरली विल हैव नॉट मोर देन 40 पीपल। अगर रिकग्नाइज पोलिटिकल पार्टी है या तो स्टेट पार्टी है नेशनल पार्टी है, अनरिकग्नाइज है तो 20 मिलेंगे। सेक्शन 77B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बोलता है दैट मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कैंपेनर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द इलेक्शन, इन अदर वर्ड्स ऑल द एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय द रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंस बॉर्न बाय द स्टार कैंपेनर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैवल बाय एयर और बाय एनी अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट शैल नॉट बी डीम्ड एज एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद इलेक्शन। तो इनका ट्रैवलिंग का खर्चा है जो भी खर्चा है वो काउंट नहीं होता इलेक्शन एक्सपेंडिचर में, यही एडवांटेज होता है। तो क्योंकि हर कैंडिडेट की एक लिमिट होती है एक्सपेंडिचर की जो वो खर्च कर सकते हैं कैंपेनिंग में, तो स्टार कैंपेनर का ट्रैवलिंग वैवलिंग का खर्चा रहने का खर्चा काउंट नहीं होता। नहीं तो अगर स्टार कैंपेनर से हटा देंगे तो इनका खर्चा भी काउंट करना पड़ेगा इफ दे शेयर द स्टेज। सो द मैनुअल फॉर द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट स्टेट्स रिक्वायर्स दैट द बेनिफिट ऑफ अवेलिंग सेक्शन 71 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अ परमिट फॉर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर एवरी स्टार कैंपेनर विल बी इशूड सेंट्रली एंड अगेंस्ट देयर नेम। ठीक है, तो ये डायरेक्टली चले गए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइल कर दिया है जाके कि भाई ये जो ग्रॉस वायलेशन है। तो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही है, इट्स अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का केस है बिकॉज इट्स राइट टू अगेंस्ट इक्वालिटी। तो ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है उन्होंने बोला, ऐसा बोला कि इन्होंने वायलेट किया है। तो कई बार क्या होता है कि आप देखोगे लगता है इलेक्शन कमीशन ने कभी 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 बहुत हल्का सा मेजर लिया है, कभी कभी लगता है बड़ा स्ट्रिक्ट मेजर ले लिया, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है एक रिटन गाइडलाइन है, वो कोई स्टैचुटरी फोर्स तो है नहीं, कहीं लॉ में लिखा नहीं हुआ है। तो पूरा का पूरी पावर इसमें इलेक्शन कमीशन को लेके है, क्योंकि आर्टिकल 324 बोलता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी वी आर क्रिटिकल जंक्चर पे हैं इन फाइट अगेंस्ट COVID-19, इज टाइम टू बी मोर अलर्ट। शी इज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया एंड सम हाउ यू कैन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद हर। हर नेम इज मिस पूनम खेत्रपाल सिंह। She is the regional director of WHO Southeast Asia and she is known to me personally in a way directly or indirectly you can say. Nevertheless, तो उन्होंने बोला है कि अब second wave आ गया है COVID-19 infection का, fatigue among healthcare workers and general public and how countries in the northern hemisphere continue to be a critical juncture. So we are now witnessing a second wave of COVID-19. Where does India stand? So she is saying that as you see COVID-19 fatigue in various countries among the general public and healthcare workers. So the pandemic has impacted lives and livelihood. We understand the difficulties people continue to face are working from home or losing income, children being schooled remotely, not being able to celebrate. But अभी क्या है, उन्होंने बोला है कि हमें और केयरफुल रहने की जरूरत है बिकॉज सेकंड वेव जो है, आप देखो दिल्ली में इन्फेक्शंस फिर से स्पाइक कर रहे हैं क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है, लोग बाहर निकल रहे हैं। एंड मैंने वही बोला कि फिर से जो माइनर प्रिकॉशंस भी आप ले सकते हो ना, मास्क पहनने वाला, वो भी लोग नहीं पहन रहे हैं, विच इज़ अ लिटिल कंसर्निंग। एटलीस्ट उतना तो कर सकते हो आप लोग कि मास्क पहन के निकलो, ग्लव्स नहीं पहनना तो चलो ठीक है, सैनिटाइज कर लो प्रॉपरली। तो ये सब चीज़ें तो बहुत मिनिमम है जो बेसिक करनी चाहिए। सो दैट वाज शी, दैट वाज व्हाट शी वाज हाइलाइटिंग ओवर हियर। बाकी नेफेड जो है, अब क्योंकि ओनियन के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, ठीक है, टोमेटो टॉप कह सकते हो आपके ये जो वेजिटेबल्स हैं, टोमेटो ओनियन एंड पोटेटोज, तो सेंट्रल कोऑपरेटिव नाफेड विल सून बिगेन इंपोर्टिंग अनियंस इन अ बिड टू टेम दी सोरिंग प्राइसेस, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो प्राइसेस हो गए मंडी में, ठीक है। एक तो क्या हुआ, क्योंकि जो विंटर वाले आते हैं अनियन वो आ नहीं पा रहे,
ठीक है, बिकॉज एक जगह बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, ओले गिर गए हैं तो क्रॉप भी डैमेज हो गई है, कई कई जगह जो है प्रॉपरली आप देखोगे रोड ब्लॉक्स हैं, कहीं पर रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो उससे क्या हो गया प्राइस पर केजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी नाफेड जो है इंपोर्ट करेगा। सो नाफेड क्या है, इज अ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इट इज एन एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर इंडिया। इट वॉज फाउंडेड ऑन 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे 1958 में टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। इट इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द मार्केटिंग एजेंसीज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सो विद इट इज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। NAFED has 4 regional offices at Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, apart from 28 zonal offices in the capital of states and important cities. So that was about NAFED. NAFED is going to be importing onions, ताकि हम लोग को जो है दिवाली में प्याज मिल पाए, क्योंकि डिमांड तो बहुत है बट सप्लाई नहीं है। प्रॉपर है डिमांड एंड सप्लाई का गेम, इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल। एंड दैट सर एंड मैम एंड्स टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स एनालिसिस। Ends October ka current affairs analysis probably will be you know coming up with compilation of this month agar aapne nahi follow kiya hai aur jaisa ki maine bataya lagbhag aapke paas 22-23 minute hai agar aapne subscription nahi liya hai fir kyunki prices optional ki aur wo alag ho jayengi so do subscribe now tomorrow is a holiday nothing doing just take rest revise jitna maine aaj tak padha diya hai baki monday se 22nd of november se naye batches ko join karna na bhule ye notes main abhi aapko share kar dunga एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड आपको पता है T40 10 राइट। सो चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई होप यू लाइक दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आया सो डू शेयर द वीडियो इफ यू गेट अ चांस। ये एनालिसिस को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, उन्हें दिखाएं, क्योंकि वो जो वीडियो है फर्स्ट टाइम अभी तक कहीं पर भी लाइव नहीं है। सो लेट मी सी इफ आई कैन एक्सपोर्ट इट टू यूट्यूब। चलिए थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एवरीवन, बी सेफ, हैव अ यू नो हैप्पी संडे। आई सी यू ऑल मंडे मॉर्निंग, मिलेंगे सुबह 10 बजे एडिटोरियल एनालिसिस के लिए विद अ न्यू एडिटोरियल एनालिसिस। थोड़ा रिवैम्प्ड करेंगे इसको, तो हर महीने कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। इस महीने भी कुछ नया लाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक देखते रहिए डेली न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स विद मी दीपांशु सिंह। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय।